नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जैसे कि सभी को पता ही होगा, DSSB PRT में जो अपना ये नर्सरी वाला पेपर हुआ था, इसका सॉल्यूशन हमने मैथ का डाल दिया था। तो आज अब हम रीजनिंग का सॉल्यूशन कर रहे हैं। मैथ के सॉल्यूशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए रीजनिंग करते हैं। तो उसने नंबर दे रखे हैं मेरे पास, लाइट इज 7 को मैं 8 2 4 3 लिखता हूँ, राइट इज वेरी रॉन्ग को मैं 2 9 1 7 लिखता हूँ, नाइफ इज 7 को मैं 5 4 8 लिखता हूँ, रोंग एंड 7 को मैं 4 7 6 लिखता हूँ। तो बताइए रोंग एंड नाइफ को क्या लिखूँगा। तो रोंग वर्ड देखो किस किस में है। तो रोंग वर्ड एक तो सेकंड लाइन में है और एक फोर्थ लाइन में है। तो एक ऐसा अक्षर देखो कि जो सेकंड लाइन में भी हो फोर्थ लाइन में भी हो, जो 7 है वह फोर्थ लाइन में भी है और सेकंड लाइन में भी है। तो रोंग के लिए क्या नंबर हो गया, 7 हो गया। तो डायरेक्ट ऑप्शन उठाओ, अब एक ही ऑप्शन में 7 है जो रोंग के लिए दे रखा है, तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया कि इसने निशान दे रखे हैं कि ए को मैं माइनस लिखता हूँ, बी को प्लस लिखता हूँ, सी को मल्टीप्लाई लिखता हूँ। तो ये नंबर सोल्व करना है। तो 8 ए को क्या लिखता हूँ मैं, माइनस लिखता हूँ 1, बी को क्या लिखता हूँ मैं प्लस 11, सी को क्या लिखता हूँ मैं मल्टीप्लाई, डी को क्या लिखता हूँ भाग लिखता हूँ मैं 4, और सी को क्या है मल्टीप्लाई 5। तो 8 - 1 = 7 हो गया, प्लस 4 * 3 = 12 हो गया, तो 11 × 3 और × 5 तो कितना हो गया, 5 * 3 = 15, 15 * 11 से मल्टीप्लाई करोगे 165, 165 और 7 कितना हो गया 172 हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 172 होगा। तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोलता है कि इटली में रेलगाड़ी कैब की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक और सस्ती है। ठीक है, तो तर्क देखो क्या है कि इटली एक महंगा शहर है। देखो महंगे की तो बात ही नहीं कि हम तो बता ही नहीं सकते, तो पहला कथन तो हो ही नहीं सकता। सेकंड तर्क क्या बताया उसने, रेलगाड़ी सेवाएं इटली में अच्छी हैं। हाँ ये बात सही है, क्योंकि कैब की अपेक्षा क्या है, बहुत अच्छी, सस्ती भी है और सुविधाजनक भी है। तो रेलगाड़ी सेवा क्या है इटली में, अच्छी है। तो सेकंड जो है इसका ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, इसका बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया टी क्यू आर डब्ल्यू ई एक सीधी रेखा में बैठे हैं, टी क्यू व आर के बीच बैठा है। तो क्या बोला उसने, क्यू और आर के बीच कौन बैठा है, टी बैठा है। ठीक है, फिर उसने बोला डब्ल्यू बीच में नहीं बैठा है, ठीक है, ई के तुरंत बाय बैठा है। डब्ल्यू बीच में नहीं बैठा पर ई के तुरंत बाय बैठा है, ये बिठा दिया मैंने, सॉरी, ई के तुरंत बाय कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। तो उसने बोला क्यू और ई सिरों पर बैठे हैं। हाँ ठीक है, क्यू इस सिरे पर है, ई इस सिरे पर है। तो बताइए क्यू के दाएं दूसरा कौन सा है, दाएं कौन सा होता है, बताइए क्यू का दाएं कौन सा होगा, भाई राइट होगा दूसरा स्थान, एक पहला हो गया ये दूसरा हो गया, तो क्यू का दाएं आर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा राइट आंसर है वह ए हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का ए रहेगा। नेक्स्ट देखिए कि चार व्यक्ति हैं, ए बी सी डी चार अलग अलग स्थानों में मुंबई दिल्ली गोवा बेंगलोर गए। ठीक है, एक टेबल बना लो इस तरीके की, एक तरीके से ए बी सी डी लिख लो, ये मुंबई गया, ये दिल्ली गया, ये गोवा गया, ये बेंगलोर गया। ठीक है, तो इसी तरीके से बना के, तो उसने बोला कार रेलगाड़ी बस हवाई जहाज द्वारा गए, दिल्ली जाने वाला व्यक्ति है बस में नहीं जाता है, सी कार के द्वारा जाता है और बेंगलोर गया, ए एक रेलगाड़ी है मुंबई गया, डी ने बस द्वारा गया, डी किस द्वारा गया, बस द्वारा गया। तो बेंगलोर जो है वह किस चीज़ में गया, तो बेंगलोर जो है कौन सा जाता है, सबसे पहले तो ये देखो बेंगलोर गया, देखो सी कार से यात्रा करता है और बेंगलोर जाता है। ठीक है, तो बेंगलोर किस चीज़ में गया, कार में गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में यहाँ पर हमको भरना है। तो देखो एफ कितने पर होता है, 6 पे 8 10 12, मतलब कि दो नंबर जुड़ते आ रहे हैं, एल आएगा। फिर सभी में एक्स एक्स दे रखा है, सेकंड में एल एक्स हो जाएगा। फिर जी कितने पर होता है, 7 पे 9 पे, देखो 7 9 11, फिर कितना आएगा 13 13 पे क्या होता है, एम होता है, फिर बी हो जाएगा। तो एल एक्स एम बी हो जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, ये नंबर देखिए, 4 × 8 + 2 = 10, 10 × 20 = 22, 22 × 44 = 46। इसी तरीके से यहाँ क्या लिखूँ मैं, 1 × 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 × 2। ठीक है,
अगला देखिए, ये तीनों नंबर भाग हो रहे हैं, 58 जो है भाग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषम संख्या छाटनी थी। प्लेटफॉर्म की ओर इशारा करते हुए मंजू ने कहा, किसने कहा, मंजू ने कहा कि यह मेरी माँ, इसकी माँ के बेटे, तो माँ का बेटा तो इसका भाई ही आ गया, ठीक है, तो ब्रदर लिख लेता हूँ, के पिता, इसका पिता तो मंजू का भी पिता, और पिता की जो क्या बोला उसने, बहन, ठीक है, तो वह औरत मंजू से किस प्रकार है, पिता की बहन मंजू की क्या लगी, बुआ लगी, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दे रखा है, बताइए कि ऐसे कितने स्वर हैं जिससे तुरंत पहले एक स्वर है और तुरंत बाद एक संख्या है, तो देखिए तुरंत पहले एक स्वर है और तुरंत बाद एक संख्या है, देखो आई क्या है, एक स्वर है, और सिर्फ सिक्स क्या है, एक संख्या, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ई जो है इसका राइट आंसर रहेगा, संख्या का मतलब क्या है, नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सर्वाधिक देती है जब 15 से विभाजित होती है, क्या जो सर्वाधिक शेषफल देती है, तो कौन सी है, जो ए है 15 से भाग देने पर सबसे ज़्यादा शेषफल देती है, कितना, 14 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, ये पूरा भाग हो जाएगा और 1 इसमें आएगा, तो सबसे ज़्यादा किसने दिया, ए ने दिया, ठीक है। मुर्गी पक पकाना है तो चूहा क्या करता है, चूँ चूँ करता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो इसमें भी सम संख्या छाटनी है, दिसंबर में 31 होते हैं, मार्च में 31 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, तो फरवरी में कितने होते हैं, 28 और 29 होते हैं, तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि पी के दक्षिण में 9 किलोमीटर है, पी क्या है, देखो के दक्षिण में, के का दक्षिण नीचे हो गया पी, ठीक है, कितने किलोमीटर पर है, 9 किलोमीटर पर है। के एच के पूर्व में, एच के पूर्व में, एच का पूरा ये हो गया के, ठीक है, कितने पर है, 5 में है, ठीक है। फिर उसने बोला एच बी के उत्तर में, बी का उत्तर कहाँ पर होगा, ऊपर होगा, तो कितना हो गया, 4 हो गया। पर एल जो है बी के पश्चिम में, एल क्या है, बी का पश्चिम क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ पर एल हो गया, कितने में, 3 हो गया। डी एल के दक्षिण में, डी जो है एल का दक्षिण, एल का दक्षिण नीचे हो गया, ठीक है, कितने में, 7 में हो गया। और जी डी के पूर्व में, डी का पूर्व क्या हो गया, ये हो गया जी, कितने पर हो गया, 8 मीटर पर हो गया। तो बताइए के और जी के बीच की दूरी बताइए, 4 ये हो गई, 7 ये हो गई, टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो की किस साइड है, उत्तर साइड है, देखो जी इस साइड है, के ऊपर की तरफ है, तो किस साइड हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, तो उत्तर 11 मीटर उत्तर में हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 6 खिलाड़ी हैं एक वृत्त में बैठे हैं, ये मैंने वृत्त मिला लिया, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी बिठा दिए, ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि एक वृत्ताकार मैच के चारों ओर बैठे हैं, एम के बाईं ओर है, एम क्या है, देखो यहाँ के बिठा दिया, यहाँ एम बिठा दिया, ठीक है। फिर उसने बोला देखो के का बाएं हो गया, डी जी और टी के बीच में है, अभी मैं डी और जी टी का इसका छेड़ता ही नहीं हूँ, बाद में छेड़ूंगा क्योंकि स्टेटमेंट को पहले आगे पढ़ता हूँ। तो उसने फिर बोला एल जी और एम के बीच में है, एम हो गया, ठीक है, और जी यहाँ पर मान लेता हूँ, इनके बीच में कौन बैठा है, देखो एल बैठा है, समझ गए, यदि घड़ी की सुई की दिशा में गिने जाएं तो जी और डी के बीच कितने लोग हैं। अब मैं यह स्टेटमेंट छेड़ता हूँ, डी जी और टी के बीच में है, जी यहाँ पर हो गया, ठीक है, और टी यहाँ पर हो गया, इन दोनों के बीच में क्या है, डी है, तो मेरा वर्त पूरा बन गया। तो उसने बोला जी और टी के बीच में कितने आदमी बैठे हैं, अगर घड़ी की सुई घूमे जिस तरह, घड़ी की सुई इस तरह घूमती है, तो जी के और टी के बीच में एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो राइट आंसर ए रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कथन का है, कुछ आलू प्याज हैं, ये आलू हो गए, ये प्याज हो गए, आलू और प्याज हो गए, ठीक है, सभी प्याज मूंगफली हैं, लो भाई, कुछ आलू प्याज हैं, ये आलू ये प्याज, सभी जो क्या हैं,
प्याज हैं, ये मूंगफली हैं, और जो सभी मूंगफली हैं ये क्या हैं, ये समोसे हैं। ठीक हो गया। कुछ आलू मूंगफली हैं, हाँ देखो ये आलू ये मूंगफली भी हैं, ठीक है तो पहला राइट है। कुछ मूंगफली आलू हैं ये भी राइट है, ये हिस्सा रहा। सभी प्याज समोसे ये तो दे ही रखा उसने सेकंड में, सभी प्याज समोसे ये भी ठीक हो गया। तो क्या सभी आंसर अनुसरण करते हैं, तो राइट आंसर क्या रहेगा, ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मिसिंग नंबर का, इसमें क्या ट्रिक लगेगी। देखो ये कितना हो गया, 15 15 45, ठीक है ये कितना हो गया, 13 13 91, तो 19 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 19 5 95, तो 9 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि 90 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की दुगनी है, मैं मान लेता हूं 90 हैं, इसमें से लड़कियां लड़की जो हैं 60 हैं और लड़के क्या हैं 30 हैं, तभी तो दुगनी हो गई। ठीक है, श्रीधर का स्थान शीर्ष से 14वां है, मतलब कि लेफ्ट ओर से कितना है, 14 है। ठीक है भाई, यदि श्रीधर से आगे 10 लड़कियां, देखो आगे से इसका 14वां स्थान है और इससे आगे 10 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने बच गए, 4 लड़के बच गए, तो उसके बाद कितने लड़के हैं, टोटल लड़के कितने थे, 30 लड़के थे, 60 लड़की थी। ठीक है, 4 लड़के तो यहां आगे आ चुके हैं, इसके बाद कितने लड़के बच गए, 26 लड़के बच गए, तो राइट आंसर क्या रहेगा, लड़के पूछे हैं तो 26 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये श्रृंखला दे रखी है मेरे को एक, इसमें बोल रखा है उसने बोला कि बताइए एस के ई को मैं क्या लिखता हूँ, 9WB लिखता हूँ। देखो पहले 4 नंबर में से लास्ट के 4 नंबर लिखे, तीसरा नंबर छोड़ दिया, देखो तीसरा नंबर छोड़ दिया दोनों में, तो फिर उसने बोला क्यू टू स्टार, देखो अगले 4 नंबर हैं, अगले में से भी क्या कर दिया, तीसरा नंबर छोड़ दिया, तो पीछे से देखो इसके बाद 4 में से क्या आएगा, अल्फ़ा वाई, तीसरा नंबर छोड़ देंगे तो 5 छट जाएगा तो वी आ जाएगा, तो अल्फ़ा वाई वी आंसर हो जाएगा, डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारी रीजनिंग की सॉल्यूशन थी, आगे हम नेक्स्ट पार्ट हिंदी का जल्दी डाल देंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, मैथ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगा।